गुड इवनिंग एवरीवन। होप आई एम परफेक्टली गॉड विल। राइट, सो आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। फाइन, सी लास्ट क्लास what we have seen, that is electrodynamometer type instrument. First of all, आपके दिमाग में एक पहला statement होना चाहिए, electrodynamometer का मतलब है एक ऐसा instrument जो electromagnets पर काम कर रहा है, मतलब temporary magnet. Dynamometer का मतलब है यहाँ पर two coils का प्रयोग हो रहा है, right? तो first of all, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर मीन्स इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट, अस्थाई चुंबक पर ये काम करता है, राइट? परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर नहीं है। तो मैंने आपको पीएमएमसी वाले डायग्राम पर बताया था कि यहाँ पर टेम्परेरी मैग्नेट के साथ आप क्वाइल बनाकर करंट पास कर बनाकर सॉरी क्वाइल बनाकर करंट पास कराकर इस पर फील्ड बनाते हैं। इस वजह से ये फील्ड बहुत हाई वैल्यू की नहीं होती है, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट था पीएमएमसी पर एक ड्रॉबैक था कि परमानेंट मैग्नेट की वजह से इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी के लिए वर्क कर रहा था। आपने इस पर जब एसी अप्लाई किया तो पीएमएमसी वर्क नहीं कर रहा था। तो अब आपने इंस्ट्रूमेंट में चेंज क्या किया, आपने यहां पर टेम्परेरी मैग्नेट लगाई और पीएमएमसी को बदल दिया किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल में। अगर पीएमएमसी को अब बदल दिया है आपने ईएमएमसी पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट बन गया है। ईएमएमसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर दो कॉइल होती है, देयर आर टू कॉइल्स। एक कॉइल फिक्स्ड कॉइल है जिसकी सहायता से आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा रहे हैं, और दूसरी कॉइल मूविंग कॉइल है जिसकी सहायता से आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बना रहे हैं। अब जब आप एसी सप्लाई का प्रयोग करेंगे, एसी सप्लाई पर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टॉर्क पॉजिटिव बनेगा, और जब आप निगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऋणात्मक, करंट ऋणात्मक, और इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से धनात्मक, राइट? तो अगेन अब ईएमएमसी एसी और डीसी दोनों पर काम कर सकता है। तो पहली बात, पीएमएमसी को ईएमएमसी पर चेंज करने से ये इंस्ट्रूमेंट डीसी के साथ साथ किस पर वर्क करने लगा, एसी। तो इट कैन वर्क फॉर एसी एंड डीसी बोथ। वॉइस कट रही है बहुत, वॉइस आई थिंक प्रॉपर स्टूडेंट्स विमल, एज सच वॉइस की प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, वॉइस बिल्कुल प्रॉपर है। संजय, वॉइस का कोई इश्यू है क्या? पंकज, रक्षा शंकर, इश्यू है, कुछ कुछ कट रहा है, कभी कभी कट रहा है, ओके। From my side, there is not such an issue, right? अरे मन की आवाज से सुनो आप, हाँ फील करते हो सुनो, सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग समझ जाओगे। राइट, चलो ईएमएमसी, एक मिनट में बैक साइड देख लेता हूँ क्या इशू है।
ये म्यूट रह गया था, सॉरी स्टूडेंट्स। अब आवाज आ रही है? अब आ ही रही होगी, है ना श्रवण? वॉइस आ रही है? चलिए, हाँ सॉरी फ्रॉम माय साइड। चलो, ईएमएमसी कैन वर्क फॉर बोथ एसी एंड डीसी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एसी और डीसी दोनों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल काम कर रहा है। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में दिस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, डायनमोमीटर मींस डाई मींस टू, डाई मींस टू। तो यहां दो कॉइल्स का कॉन्सेप्ट है और टू कॉइल्स में वन कॉइल इज फिक्स्ड कॉइल, अदर वन इज मूविंग कॉइल। एक फिक्स्ड कॉइल है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और एक मूविंग कॉइल है जिस पर आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बनाएंगे, राइट? इट कैन वर्क फॉर बोथ एसी एंड डीसी, बता चुका हूं आपको। इन केस ऑफ एसी, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट करंट। जब टाइम वेरिंग फील्ड लिंक होगी आयरन से तो एक प्रॉब्लम भी आएगी। आपने देखा था इस फिगर में, अगर आप पीएमएमसी वाले फिगर को देखें, देखिए अगर यहां बीच में आपने आयरन के ऊपर वाइंडिंग कर रखी होती स्टूडेंट्स, राइट, या इसके अंदर स्टेशनरी आयरन कोर ले रखा होता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? जब भी इस पर करंट पास होगी, करंट पास होने पर क्या इसकी फील्ड इंट्रैक्ट करेगी आयरन कोर के साथ भी? और अगर आयरन कोर के साथ लिंकिंग होगी तो कुछ इंड्यूस एडी करंट्स भी बनेंगी जो अनडिजायरेबल है, जिसके लिए हम यहां पर आयरन पीसेस को हटा देते हैं, अंदर वाले स्टेशनरी आयरन कोर को भी हटा देते हैं। तो मैंने वहां आपको बताया था कि आप इस इंस्ट्रूमेंट पर क्या करेक्शन कर रहे हैं, देयर इज इंड्यूस एडी करंट इन आयरन कोर, तो आयरन कोर को ही हटा देते हैं, कोई एडी करंट लॉस ना हो। एडी करंट लॉसेस को हटाने के लिए हम आयरन कोर को रिमूव कर देते हैं। दूसरी बात, ये देखिए लिखा है टू अवॉइड एडी करंट लॉसेस इन द आयरन कोर, लास्ट क्लास में बता चुका हूं वी आर रिमूविंग दिस आयरन कोर, तो हमने आयरन कोर को हटा दिया। इसके बाद फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों से आयरन कोर हटाने के बाद हम स्ट्रक्चर कैसा यूज कर रहे हैं, एयर कोर। कैसा स्ट्रक्चर है? एयर कोर। एयर कोर स्ट्रक्चर का फायदा यह है कि अंदर एडी करंट लॉसेस नहीं होंगे। आयरन पर रिलेक्टेंस लो बनता था, एयर का रिलेक्टेंस हाई बनता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट आयरन से रिलेक्टेंस लो बनता है तो फील्ड अच्छी बनती, तो यहां फील्ड उतनी प्रॉपर नहीं बनती है जितना हमारे पास मूविंग आयरन पर फील्ड थी। तो मूविंग आयरन पर जो फील्ड थी वो 0.005 से 0.0075 था। यस शिवम, शिवम यस प्लीज टेल, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। शिवम, शिवम यू कैन रेज योर क्वेरी। अगेन यू आर रेजिंग योर हैंड बट यू आर नॉट आस्किंग योर डाउट। फर्स्ट यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ। शिवम आर यू देयर? यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स। समझ में आ गया सर? ओके सॉरी। नाउ पीएमएमसी पर फील्ड है 0.171, मूविंग आयरन पर फील्ड है 0.005 से 0.0075। ध्यान देना, मूविंग आयरन पर फील्ड इस ईएमएमसी से ज्यादा है, क्योंकि ईएमएमसी में आयरन पीस भी हट गया तो फील्ड और कम हो गई। तो सबसे कम फील्ड किस पर है? ईएमएमसी। तो कंपेयर करें अगर, तो पीएमएमसी पर फील्ड सबसे बड़ी है, इसके बाद एमआई और इसके बाद ईएमएमसी। ये इन तीनों में कंपैरिजन होगा फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो अगर फील्ड बहुत वीकर है तो इस बार ईएमएमसी पर एक और खास बात, एल्यूमिनियम फार्मर जो होता था, एल्यूमिनियम फार्मर पीएमएमसी में जो होता था वो यहां रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम यहां पर उस एल फार्मर को लगा दें तो एल्यूमिनियम फार्मर का वर्क था अंदर एडी करंट लाकर डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना, लेकिन आपको पता है डैम्पिंग टॉर्क तभी सिग्निफिकेंट होगा जब एल्यूमिनियम फार्मर जहां लगा रहे हैं वहां फील्ड परमानेंट हो। तो आप बताओ
क्या इतनी वीकर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इतनी वीकर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बहुत वीकर मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ, क्या एएल फार्मर पर, एल्यूमिनियम फार्मर पर डैम्पिंग टॉर्क सफिशियंट लग पाएगा क्या? तो इसलिए डैम्पिंग टॉर्क इज नॉट इफेक्टिव हियर, सो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम फार्मर को भी मैंने कहीं लिखवाया होगा, यस एल्यूमिनियम फार्मर इज नॉट रिक्वायर्ड, एल्यूमिनियम फार्मर को भी हटा देते हैं क्योंकि इस पर बनने वाली इंड्यूस एडी करंट की इफेक्टिवनेस कम होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी, वीकर होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीकर है। जबकि पीएमएमसी पर फील्ड बहुत अच्छी थी तो वहां एडी करंट से डैम्पिंग टेक्निक लगाई गई थी। अगला, ईएमएमसी पर लो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए कौन सी डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। इसके बाद, क्वाइल शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड आर माउंटेड ऑन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जो भी क्वाइल आप ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्वाइल कैसी होनी चाहिए, हाँ एल्यूमिनियम फार्मर को हटा देते हैं, पीएमएमसी की जगह ईएमएमसी पर एएल फार्मर हटा देते हैं, और यहां पर क्वाइल शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए, क्वाइल कैसी होनी चाहिए, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब क्वाइल ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ सस्टेन कर जाए, इसका स्ट्रक्चर या तो हार्डर हो, अदरवाइज ये किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर माउंट की जानी चाहिए, एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर माउंट नहीं करोगे तो अंदर इंड्यूस एडी करंट सर्कुलेटिंग आएंगी जो एडी करंट लॉस देंगी। यहां तक मैंने शायद आपसे डिस्कशन किया था, राइट। अब इस डिस्कशन में कुछ पार्ट्स हम लोग और ऐड करते हैं, मैंने जस्ट क्विक रिवीजन दिया है आपको, कुछ एक दो लाइनें इस पर फर्दर हम लोग ऐड करना चाहते हैं, जैसे वन बाई वन। हाँ यहां तक हो चुका था स्टूडेंट्स, ऑलरेडी कंप्लीट है। अब देखो हम बोल सकते हैं सेल्फ सस्टेनिंग क्वाइल के बाद एक लॉजिकल बात, क्या मूविंग क्वाइल को मुझे ब्रेक कराना चाहिए? देखो जरा ध्यान से सुनो, हियर फिक्स्ड क्वाइल इज डिवाइडेड into two equal part, into two equal parts. Fixed coil को कितने भागों में हम तोड़ रहे हैं? दो बराबर भागों में। Fixed coil is divided into two equal parts, so that uniform magnetic field, so that uniform magnetic field reason can be produced। हम इसकी मदद से क्या बना पाए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बिना हमारे पास बहुत प्रॉपर वर्किंग नहीं होती स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन मस्ट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन से आपके पास बहुत प्रॉपर वर्किंग बनेगी। तो कौन सा रीजन चाहिए आपको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन आपको बहुत प्रॉपर वर्किंग देता है, राइट। पहले ये लाइन लिख लो, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं। एक बार आप इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिए। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद यस करें। फिक्स्ड क्वाइल लिखा है, फिक्स्ड क्वाइल एफसी इज डिवाइडेड इनटू टू, फिक्स्ड क्वाइल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और टू दोनों पार्ट्स कैसे हैं? इक्वल। फिक्स्ड क्वाइल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक मिनट, ओके। अब बात को जरा समझना। नाउ लुक, मान लीजिए मैंने आपसे ऐसा बोला, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो, अपने पास ये कोई क्वाइल है, स्टूडेंट्स, राइट। अब इस क्वाइल पर सपोज करो मैंने यहां से करंट पास की,
राइट। अब जब मैंने क्वाइल पर करंट पास की तो आप देखो राइट हैंड से अगर मैं इस पर कर्ल रोटेशन दिखाऊं तो क्या ये मेरे पास कर्ल के बाद थंब फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, फ्लक्स की डायरेक्शन को? तो ये फ्लक्स लाइंस लाइक दिस होंगी, राइट। तो अभी यहां पर मैं इसको स्पॉट रीजंस पर ध्यान से देखना, यहां पर अपने पास ये वाला मेरा हैंड, इसका रोटेशन करंट की डायरेक्शन पर है कर्ल का। क्या मेरे राइट हैंड का कर्ल लाइक दिस जा रहा है? इसका मतलब फ्लक्स आउटवर्ड निकल रहा है यहां पर, राइट। लाइक दिस अपने पास फ्लक्स लाइंस क्रॉस करेंगी इसको, एक्सेप्टेड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर आप मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दिखाएं, आपको रिकॉल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, सेंटर पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू के साथ होता है, मतलब इसका नेचर लाइक दिस होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन लाइक दिस होगा डिस्टेंस के साथ। किसी क्वाइल पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन नॉन लीनियर होता है और सेंटर पर सबसे ज्यादा, इसके बाद फिर ये घटने लगता है। तो आप अगर सोचिए, मैं क्वाइल को अगर 2 equal half में डिवाइड कर लूं, तो क्या एडवांटेज दिख रहा है आपको? क्वाइल को अगर मैंने 2 equal half में डिवाइड किया, जरा समझना, अगर मैंने क्वाइल को 2 equal half में डिवाइड किया, से आपने क्वाइल को 2 equal half में डिवाइड किया, और अगर मैं फिर से देखूं यहां पर कि करंट के ओरिएंटेशन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखूं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस वाइज एक नॉन लीनियर वेरिएशन को दर्शाएगी, और नॉन लीनियर वेरिएशन समवाट कैसा होगा? लाइक दिस। नॉन लीनियर वेरिएशन समवाट लाइक दिस होगा स्टूडेंट्स, राइट। अब आप मुझे बताइए ये जो नॉन लीनियर वेरिएशन है लाइक दिस, अपने पास अगर ये नॉन लीनियर वेरिएशन है स्टूडेंट्स, यहां भी नॉन लीनियर वेरिएशन है, तो क्या इस रीजन पर प्रॉपर वर्किंग हमें मिल पाएगी? क्या हमें अगर प्रॉपर वर्किंग चाहिए, फील्ड प्रॉपर चाहिए, तो मैं क्या बात कह रहा हूं ध्यान से सुने, मैं क्वाइल को 2 parts में अगर ब्रेक कर दूं, क्वाइल को 2 equal parts में ब्रेक कर दूं, तो क्या इसके मिडिल रीजन पर, आपको इस रीजन पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल जाएगी? सो दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जामिनर इज आस्किंग इन ए डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड क्वाइल इज डिवाइडेड इनटू, तो आंसर होगा फिक्स्ड क्वाइल को हम 2 parts में डिवाइड करते हैं ताकि बीच वाला रीजन क्या मिल जाए, यूनिफॉर्म। देखो एक बार लिसन करो, यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड नॉन लीनियर, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, नॉन लीनियर, बट जो इनके बीच का रीजन है क्या इस रीजन पर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल जाएगी? सो दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग फिक्स्ड क्वाइल इनटू 2 equal parts। फिक्स्ड क्वाइल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? फिक्स्ड क्वाइल को 2 equal parts में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हम डिस्टेंस के साथ देख रहे हैं। आप मुझे अब बताना फाइनली, अगर मैं क्वाइल को, बहुत ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स, फिक्स्ड क्वाइल समवॉट लाइक दिस है और आप इसके बाद इस फिक्स्ड क्वाइल को अगर 2 equal half पर डिवाइड कर देते हो, तो क्या स्टूडेंट्स ये वाला जो मिड रीजन है क्या इस रीजन पर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल जाएगी? सो दैट्स वाई आप हमेशा फिक्स्ड क्वाइल को 2 equal half parts में डिवाइड करते हैं। क्वाइल भी क्लियर एक ही है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड क्वाइल एक सिंगल क्वाइल है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आधे टर्न्स को यहां दिखा रहे हो और आधे टर्न्स को यहां दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता चला कि जब इक्वल टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया तो ये जो सेंटर रीजन है, ये इसके बीच वाला रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। सो फिक्स्ड क्वाइल को 2 बराबर पार्ट में ब्रेक करना मस्ट है। तो आप नीचे एग्जांपल पर इसको दिखा लेना,
ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट बना रहे। बाकी इस पॉइंट का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप इस पॉइंट को यहां तक बना लेना, हियर फिक्स्ड कॉइल, हियर फिक्स्ड कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स सो दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन कैन बी प्रोड्यूस, राइट। और जस्ट मैंने कॉइल स्ट्रक्चर लेकर बताने की कोशिश की है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में सबसे ज्यादा होगी और इसके दिस साइड वीकर कम होती जाएगी। यहाँ भी सेंटर में सबसे ज्यादा होगी और इस साइड नॉन लीनियर, लेकिन बीच में ये रीजन सबसे बेस्ट रीजन बनेगा। एक बार जल्दी से इसको कंप्लीट करें, तुरंत लिखिए इसको, एक एक करके पॉइंट्स ही लेंगे हम लोग, एक एक करके वन बाय वन सिंगल पॉइंट। एक्सिस ऑफ क्वाइल है ये स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सिस ऑफ क्वाइल, ये एक्सिस ऑफ क्वाइल है जो सेंटर से पास करेगी, ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ क्वाइल जो सेंटर से पास करेगी टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो फिक्स्ड कॉइल को टू बराबर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एयर फ्रिक्शन, डैम्पिंग शुड बी एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग शुड बी प्रेफर्ड। स्टार्ट करें, ओके। क्या चल रहा है नेट का आपके, कल उठा ले जाओ भी अपना राउटर आप। चलो ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ मैं बात, एक मिनट, मेरी वॉइस प्रॉपर है आपको? सॉरी वीडियो स्टॉप हो गया है, अब तो ठीक है।
सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए अब डायनमोमीटर, ये जो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हमारा मेन मोटो, ध्यान से सुनना, ना तो आप इससे एमीटर डिजाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। एमीटर डिजाइन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। कैसी स्केल है ये? दिस इज नॉन लीनियर स्केल, तो मेजरमेंट उतना प्रॉपर नहीं होगा। सेकंड, अगर मैं एमीटर की जगह वोल्टमीटर डिजाइन कराता हूं, वोल्टमीटर डिजाइन कराते समय थीटा प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर आएगा। अगेन स्केल कैसी है? नॉन लीनियर। कैसी स्केल है? नॉन लीनियर। तो नेक्स्ट एक कंसर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बचता है, दैट इज कॉल्ड वाट मीटर। तो मैं यहां पर जिसकी बात कर रहा हूं, दैट इज वाट मीटर। वाट मीटर से आप करोगे पावर मेजरमेंट। क्या करेंगे आप? पावर मेजरमेंट। अब जब आप पावर मेजरमेंट की बात करोगे तो यहां थीटा प्रोपोर्शनल आएगा पी। क्या आएगा? थीटा प्रोपोर्शनल पावर। और अगर थीटा प्रोपोर्शनल पावर है तो ये स्टूडेंट स्केल कैसी देगा? लीनियर। तो अब आप मुझे खुद बताओ, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर से करने को आप तीनों मेजरमेंट कर सकते हो, धारा का मापन भी, वोल्टेज का मापन भी, पावर का मापन भी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हो आप? पावर मेजरमेंट। सो दैट्स व्हाई, बी क्लियर, सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को एज ए वाट मीटर प्रेफर करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसके लिए प्रेफर करते हैं? वाट मीटर। तो पावर मेजरमेंट पर स्केल कैसी आती है? लीनियर। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। अब जरा चेक करो, अगर मुझे पावर मेजरमेंट करना है, क्या कर रहा हूं मैं यहां पर? पावर मेजरमेंट। तो पावर मेजरमेंट करने के लिए नॉट रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स, ये राइट करने की भी जरूरत नहीं, मैं इसको प्रॉपर सब कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है? नींद नहीं आएगी तो लिख लेना है ना, फिर उसका जवाब ही नहीं, इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा, बट अगर अभी आपको लगता है तो यू कैन ऑल्सो राइट। एमीटर पर थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर है, नॉन लीनियर स्केल है। वोल्ट मीटर पर थीटा प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर है, नॉन लीनियर स्केल है। लेकिन अगर वाट मीटर इससे बनाते हो तो पावर मेजरमेंट पर स्केल कैसी है? लीनियर। तो अगर कभी पूछा जाए, वाट मीटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर, वी कैन आल्सो मेजर वोल्टेज एंड करंट, बट सबसे बेस्ट किसके लिए है? ये पावर मेजरमेंट के लिए। एक्सेप्टेड? किसके लिए है बेस्ट? पावर मेजरमेंट। होप यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। चलो अब जरा समझो, आप यहां पर डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में पावर मेजरमेंट की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? पावर मेजरमेंट। अब सभी लिखना बंद कर दो, स्क्रीन पर केवल देखते हुए दिखाई दो, राइट? लिखना बिल्कुल बंद कर दो। ये क्वाइल एक फिक्स्ड क्वाइल है। ऐसी क्वाइल है ये? फिक्स्ड क्वाइल। इस फिक्स्ड क्वाइल को आप यूज करेंगे लोड के साथ। यहां स्टूडेंट्स एक लोड है जिसके सीरीज पर ये कनेक्ट है, से दिस इज लोड, इसे आप लोड बोल रहे हैं। फिक्स्ड क्वाइल लोड के साथ कैसे कनेक्ट है? सीरीज पर। फिक्स्ड क्वाइल लोड के साथ कैसे कनेक्ट है? सीरीज पर, राइट? इसके बाद आपके पास एक दूसरी क्वाइल थी, मूविंग क्वाइल। प्लीज स्टूडेंट्स ओनली लिसन, डोंट राइट एनीथिंग। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, केवल आप मेरी बात को सुनिए 5 मिनट, राइट? अगर मैं आपको रुकने को बोल रहा हूं तो उसकी कुछ वजह होगी। आप केवल फर्स्ट 5 से 10 मिनट मेरी बातों को सुनिए, जो भी दिमाग में आप पॉइंट बना सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करिए, राइट? मैं लिखवा दूंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, नोट्स, अरे नोट्स हो जाएगा, डोंट वरी, राइट? अब यहां पर सेकंड जरूरत है मूविंग क्वाइल, सेकंड नीड है मूविंग क्वाइल।
तो ये आपने लगाई है मूविंग कॉइल, राइट। इस मूविंग कॉइल को आपने कनेक्ट किया है लाइक दिस, दिस इज मूविंग कॉइल। एक ऊपर कॉइल है फिक्स्ड कॉइल, इसका नाम है फिक्स्ड कॉइल, राइट। फिक्स्ड कॉइल इज यूज्ड फॉर लोड करंट। जो भी लोड पर करंट बनेगी, वो कहां है? फिक्स्ड कॉइल। और ये जो अपने पास मूविंग कॉइल लगी है स्टूडेंट्स, ये मूविंग कॉइल लाइक ए वोल्ट मीटर है। मूविंग कॉइल क्या है? लाइक ए वोल्ट मीटर, मतलब इस मूविंग कॉइल के थ्रू आप वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर वोल्टेज और यहां पर करंट, राइट। तो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल की हम बात कर रहे हैं। मेरी बात को इत्मीनान से सुनना। अगर ये फिक्स्ड कॉइल है तो लोड पर बहने वाली करंट कौन सी होगी? क्या लोड पर करंट की वैल्यू हाई होगी? अगर लोड पर करंट हाई होगी तो आप बताइए, कोई भी लोड पर अगर करंट हाई जानी है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इस फिक्स्ड कॉइल को किस वायर की बनाएं कि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी अच्छी हो। इसका मतलब ये जो फिक्स्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड। फिक्स्ड कॉइल लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड, और ये जो फिक्स्ड कॉइल है इस फिक्स्ड कॉइल पर लोड करंट की वैल्यू प्रॉपर होगी, मतलब ठीक ठाक होगी। तो मैं इसको हाई मानकर चल रहा हूं। अगर ये हाई है तो बताओ फिक्स्ड कॉइल के टर्न्स किसके बने होने चाहिए? ये वायर कैसी होनी चाहिए? इस वायर को होना चाहिए थिक, इस वायर को मोटा होना चाहिए, थिक वायर होना चाहिए, राइट। अगर इस पर करंट कैरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक चाहिए, स्टूडेंट्स, तो ये किसकी बनी होनी चाहिए, थिक वायर या थिन वायर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है फिक्स्ड कॉइल शुड बी मेड अप ऑफ थिन वायर और थिक वायर। तो बताओ फिक्स्ड कॉइल किसकी बनी होनी चाहिए? फिक्स्ड कॉइल ऑलवेज बनी होनी चाहिए किसकी? थिक वायर। फिक्स्ड कॉइल किसकी बनी होनी चाहिए? थिक वायर। फिक्स्ड कॉइल शुड बी मेड अप ऑफ विच वायर? थिक वायर। किसकी बनी होनी चाहिए? थिक वायर। दूसरा, अब फिक्स्ड कॉइल के बाद जब हम बात करेंगे मूविंग कॉइल की, किसकी? मूविंग कॉइल की। तो मूविंग कॉइल और फिक्स्ड कॉइल में थोड़ा सा डिफरेंस दिमाग में लाना। ये एक ऐसी कॉइल है जो फिक्स है स्टूडेंट्स, अगर उस क्वाइल को थिक बनाया गया है, मोटे वायर की बनाया गया है, तो ठीक है, क्वाइल मोटे वायर की है और इसको एक जगह रख दिया गया, इसको मूव नहीं करा रहे हैं बार बार। अगर आप इसको मूव नहीं करा रहे हो तो ये फिक्स्ड क्वाइल प्रॉपर पुट है। लेकिन ये जो क्वाइल है मूविंग क्वाइल, इसको हम मूव कराना चाहते हैं, तो ये क्वाइल कैसे वायर की बनी होनी चाहिए? थिन वायर की। कैसे वायर की बनी होनी चाहिए? थिन वायर की। तो ध्यान से सुनो, हम जब यहां पर वाटमीटर बनाते हैं तो वाटमीटर बनाते समय हमारे दो कंसर्न होते हैं। वाटमीटर में दो तरह की क्वाइल का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। एक क्वाइल, बहुत ध्यान से नाम सुनना, एक क्वाइल को कहते हैं करंट क्वाइल, जिससे मेजरमेंट होता है करंट का। और एक क्वाइल होती है पोटेंशियल क्वाइल, पीसी। एक क्वाइल होती है पोटेंशियल क्वाइल, जिससे मेजरमेंट होता है वोल्टेज का। एक क्वाइल से किसका मेजरमेंट हो रहा है? करंट का। एक क्वाइल से किसका मेजरमेंट हो रहा है? वोल्टेज का। करंट जिससे मेजर कर रहे हो, करंट का मेजरमेंट ऑलवेज सीरीज में होता है। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर ऑलवेज कहाँ कनेक्ट होता है? सीरीज में ही धारा समान होती है, तो इसलिए करंट क्वाइल को कहाँ कनेक्ट करोगे लोड के सीरीज में। और पोटेंशियल क्वाइल को कहाँ कनेक्ट करोगे?
पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए पोटेंशियल क्वाइल को कहां कनेक्ट करोगे? पैरेलल। पोटेंशियल क्वाइल को कहां कनेक्ट करोगे? पैरेलल। तो क्या ये दो बातें पहले माइंड में आ रही हैं? छोटी छोटी पॉइंट समझना, आपके दिमाग में अब तक दो पॉइंट आ चुके होंगे। वाट मीटर बनाने के लिए, वाट मीटर बनाने के लिए दो तरह की क्वाइलों की बात हो रही है, एक करंट क्वाइल और एक पोटेंशियल क्वाइल। अभी भूल जाओ फिक्स्ड क्वाइल, मूविंग क्वाइल, सब भूल जाओ। बात कर रहा हूं करंट क्वाइल की, बात कर रहा हूं पोटेंशियल क्वाइल। करंट क्वाइल इज एनालॉगस, ये जो करंट क्वाइल है ये एनालॉगस है एमीटर जैसा, जैसा धारा मापी होता है। और ये जो पोटेंशियल क्वाइल है, पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज क्वाइल, पोटेंशियल का दूसरा नाम वोल्टेज है, पोटेंशियल क्वाइल बोले अदरवाइज वोल्टेज क्वाइल बोले, पोटेंशियल क्वाइल और वोल्टेज क्वाइल, ये कैसी है? इट इज लाइक वोल्ट मीटर, इट इज लाइक वोल्ट मीटर। आप सभी जानते हैं एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यस। तो यहां पर एमीटर जो बनाओगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम चाहते हो, आइडियल वैल्यू पर जीरो चाहते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आरए की वैल्यू आप चाहते हैं एज लो एज पॉसिबल, और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चाहते हो? एज हाई एज पॉसिबल, राइट। तो डिजाइनर के दिमाग में ये दोनों बातें कंसर्न बनी होती हैं कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ये बात आपके माइंड पर एज ए डिजाइनर चल रही होती है। फिर अब इसके बाद वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो में तो स्टूडेंट्स अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कभी कभी वॉइस, कभी वीडियो सर प्रॉब्लम कर रहा है। हो गया कनेक्ट, चलो सॉरी स्टूडेंट्स। अब देखिए वाट मीटर पर मैंने बोला एक करंट क्वाइल चाहिए और एक क्या चाहिए? पोटेंशियल क्वाइल। ध्यान से सुनो, एमीटर ऑलवेज कहां कनेक्ट होता है? एमीटर शुड बी कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज। एमीटर कहां कनेक्ट होता है? सीरीज में। वोल्ट मीटर ऑलवेज कहां कनेक्ट होता है? संट में। वोल्ट मीटर ऑलवेज कहां कनेक्ट होता है? संट में। तो पहली बात, करंट क्वाइल को कहां कनेक्ट करने की कोशिश करोगे? सीरीज में। पोटेंशियल क्वाइल को कहां कनेक्ट करने की कोशिश करोगे? संट में। ये दो बात पहले माइंड में होनी चाहिए, एक्सेप्टेड। कम से कम ये दोनों बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, करंट क्वाइल कहां कनेक्ट करते हैं और कहां पोटेंशियल क्वाइल, राइट। करंट क्वाइल ऑलवेज कनेक्ट करते हैं सीरीज में, पोटेंशियल क्वाइल ऑलवेज संट में, राइट, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने एक क्वाइल जो बनाई, नहीं पता ये कौन सी क्वाइल है, ठीक है। अभी इतना मान लो कि ये करंट क्वाइल है, छोड़ो फिक्स्ड क्वाइल को, ये करंट क्वाइल है। करंट क्वाइल को लोड के साथ कैसा लगाना चाहिए? सीरीज में।
जैसे एमीटर को लगाते थे, आपने लोड के साथ सबसे पहले कौन सी कॉइल लगाई? कौन सी कॉइल लगाई? सीसी। कौन सी कॉइल लगाई? सीसी, करंट कॉइल। करंट कॉइल इज यूज्ड फॉर करंट मेजरमेंट, इसका मतलब ये लोड करंट को मेजर करेगा। ये किसको मेजर करेगा? लोड करंट को। अब इसके बाद मैं अगर वोल्ट मीटर लगाऊं, तो वोल्ट मीटर आपने एक लगाया, जो वोल्ट मीटर किसका है? पोटेंशियल कॉइल। तो ये आपने एक पोटेंशियल कॉइल लगा दी। पोटेंशियल कॉइल को कैसे कनेक्ट करेंगे? संट। पोटेंशियल कॉइल को कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। पोटेंशियल कॉइल को कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। तो ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, राइट? इसको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। जबकि करंट कॉइल कैसी कनेक्ट है? सीरीज में। तो करंट कॉइल लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट है, और ये नीचे वाली रेड कलर वाली पोटेंशियल कॉइल कहां कनेक्ट है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल कॉइल संट में कनेक्ट है। पोटेंशियल कॉइल संट में कनेक्ट है, करंट कॉइल कैसी कनेक्ट है? सीरीज में। पोटेंशियल कॉइल रिफर्स टू वोल्ट मीटर, करंट कॉइल रिफर्स टू एमीटर, राइट? फिर से दोनों स्टेटमेंट को दिमाग में लाओ। वाट मीटर में दो तरह के मेजरमेंट की जरूरत है, एक करंट, एक करंट और एक वोल्टेज। करंट मापन के लिए कौन सी कॉइल यूज कर रहे हो? करंट कॉइल। करंट मापन के लिए कौन सी कॉइल? करंट कॉइल। वोल्टेज मापन के लिए, वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल का ही दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज कॉइल, ठीक है। अब करंट कॉइल एनालॉगस है एमीटर के। करंट कॉइल से धारा का मापन कर रहे हैं, और एमीटर से भी किसका मापन होता है? धारा का। तो एमीटर इज यूज्ड, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। ये इन सीरीज होगा, इन सीरीज विद लोड, श्रेणी क्रम में धारा समान होगी, राइट? तो ये कहां लगेगा? सीरीज में लोड के साथ। जबकि वोल्टेज की वैल्यू कहां सेम होगी? पैरेलल में। तो आप बोल सकते हैं वोल्टेज क्वाइल मतलब वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट होना चाहिए? इन संट। संट का मतलब है पैरेलल। तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसा कनेक्ट होगा? संट में। और एमीटर ऑलवेज कनेक्ट होगा इन सीरीज। आपने अब तक जो देखा, आपने चेक किया कि आपके पास ये जो मैंने सीसी लगाया था करंट कॉइल, ये किसमें कनेक्ट है? करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट है लोड के साथ। और ये वाली जो कॉइल है पीसी, ये कैसे कनेक्ट है? संट में। पीसी कॉइल संट में कनेक्ट है। दोनों तरह के कनेक्शन है स्टूडेंट्स। थोड़ी देर बाद इस कॉइल को यहां से भी कनेक्ट करेंगे हम लोग, राइट? इस कॉइल को ऐसे भी कनेक्ट करेंगे। अलग अलग कनेक्शन है, एक होता है सोर्स साइड, एक होता है लोड साइड। तो दो तरह के कनेक्शन है। अभी जनरल कनेक्शन पर सोर्स साइड से कनेक्शन लिया है पीसी का, राइट? ये जनरल कनेक्शन है। तो करंट कॉइल हो गई और पोटेंशियल कॉइल हो गई। क्या क्या बात समझ में आ गई अभी आपको? आपको अभी तक लगा वाट मीटर बनाने के लिए दो तरह की कॉइल की जरूरत है, एक करंट कॉइल और एक पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल से किसका मापन करोगे? धारा का। और पोटेंशियल कॉइल से वोल्टेज का, राइट? करंट कॉइल से किसका मापन? करंट का। पोटेंशियल कॉइल से वोल्टेज का। करंट कॉइल कहां कनेक्ट होनी चाहिए? सीरीज। करंट कॉइल कहां कनेक्ट होनी चाहिए? सीरीज। पोटेंशियल कॉइल कहां कनेक्ट होनी चाहिए? पैरेलल, राइट? इतनी बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कनेक्शन वाइज मैं अगर बात करूं, तो सीसी को क्या बनाएं कि बात बन जाए, पीसी को किसका बनाएं कि बात बन जाए? तो जरा चेक करो, अब तक ये बात निकल कर आई, करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होनी चाहिए, और किसके मेजरमेंट के लिए है? करंट। पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट होना चाहिए कहां? संट। किसके मेजरमेंट के लिए है? वोल्टेज। जरा चेक करो, लोड पर करंट का मान, लोड पर करंट का मान सिग्निफिकेंट होगा, लोड पर करंट का मान सिग्निफिकेंट होगा। अगर करंट का मान सिग्निफिकेंट होगा तो बताओ ये कॉइल किसकी बनी होनी चाहिए? आप बताइए, अगर करंट का मान, हेलो,
अगर करंट का मान लो सॉरी स्टूडेंट्स, क्लास अब आप लोगों की कल ही होगी, आज कुछ ज्यादा ही नेटवर्क का इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है। दो मिनट के बाद हर चार मिनट पर लैगिंग है, प्रॉब्लम है। ठीक है, कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप लोग लीव कर सकते हो, कल स्टार्ट करेंगे इसको। टाइमिंग देखेंगे, थोड़ा पहले ही लेने की कोशिश करेंगे। अब क्या लिखोगे रक्षा शंकर, कल फिर से बताएंगे, ठीक है? हाँ, कल बताएंगे इसको फिर से। अब लिख लें सर, है ना? मत लिखो, कल ही बताएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, अरे इसको मैं क्या अपलोड करेंगे, अभी कुछ पढ़ाया भी तो नहीं आज, अपलोड की कोई जरूरत नहीं है, कल इसको प्रॉपर करा देंगे, राइट? हो ही नहीं पाई क्लास, वो बार बार लैगिंग, कब फिर चला जाए पता नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फीवर, फीवर का कुछ पता नहीं स्टूडेंट्स,